अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VRNews.in। आज हम मौजूद है खलील मंजिल, जो कि टैंक बंदर रोड रे रोड पे पड़ता है। हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे पीछे जो है वहाँ के रहवासी है। लॉकडाउन से लेकर के अब तक के इन्होंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया है और क्या क्या नहीं, बात करते हैं। आरिफ भाई हमारे साथ में है, आरिफ भाई से हम बात करते हैं। VRNews में आपका स्वागत है। वालेकुम। ये लॉकडाउन जो हुआ, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो चीज़ें थी जो शुरुआत की उन लोग ने, ठीक है। अभी ये आज लोगों का जो रोज़ी रोज़गार का मसला बन गया है, लाइट बिल का मसला है, मगर जो सबसे बड़ा मसला है जो एजुकेशन्स है, एजुकेशन्स के अंदर बच्चों को ऊपर वो किया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ये है वो है, सारी चीज़ें है, बच्चे पढ़ भी रहे, मगर ये जो इनकी फ़ीस है, ये फ़ीस क्यों गवर्नमेंट माफ़ नहीं करा रही है? इसमें कोई भी फ़ीस है ना, कोई भी स्कूल है गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट नहीं है करके, मगर गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी है ना, उसकी फ़ीस माफ़ करें ना। अभी जो घर में 3 बच्चे हैं उनके बच्चों की जो फीसें हैं, तो आदमी फ़ीस कहाँ से भरेगा? जो स्कूल एजुकेशन बता रही है कि 2 महीना, 3 महीना, 7 महीने का 7 में भरो, ये उनको करना है, तो ये गवर्नमेंट को ये माफ़ करना चाहिए। लाइट बिल है, लाइट बिल गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए, 2 महीने का डील है, ठीक है। आप गवर्नमेंट वो दे सकती है कि भाई आप है ना किस्तों के अंदर भरो, होता है ना, हर चीज़ होती है। आज लोन होती है, जो गाड़ी के ऊपर लोन है, बाइक के ऊपर लोन है, गवर्नमेंट उसको हर चीज़ को बाइक के ऊपर लोन करा रही है, बाइक इसके ऊपर वो कर रही है, तो ये बिल के लिए क्यों नहीं कर सकती है गवर्नमेंट? अरे भाई, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। लाइट बिल एक ऐसी चीज़ है जो गरीब तबके के, जो स्लम में झोपड़पट्टी में रहने वाले वो लोग भी इसमें शामिल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है? जो भरने वाले वो तो भरेंगे, जैसे कि अभी उदय ठाकुर ने, आपने सुना होगा, 3 किराएदारों से ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको बोला गया है कि 3 महीने का किराया ना ले जो रेंट पे रह रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलेंगे? किराया ना लिया जाए तो उसके अंदर गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी देना चाहिए ना सर। इसके अंदर अभी गवर्नमेंट के जो टैक्स है, जो लाइसेंस के अंदर वो हुआ था, वो हर चीज़ के अंदर फैसिलिटी देना चाहिए गवर्नमेंट को। लाइट बिल है, लाइट बिल के अंदर ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेगी, मगर गवर्नमेंट को भी हमारे को सपोर्ट करना चाहिए ना। गवर्नमेंट पब्लिक भरेगी, मगर उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ना कि भाई आप किस्तों के अंदर भरो, आप इसके अंदर 50% आपको भरना है, तो गवर्नमेंट की पब्लिक पूरी हेल्प करेगी, मगर गवर्नमेंट इसका कोई लाभ ही नहीं दे रही है। आज म्यूनसिपैलिटी का प्रॉब्लम है, पुलिस ने जहाँ तक हुआ है कॉपरेट करने के लिए, मुंबई के अंदर जितना पुलिस ने कॉपरेट करी है उतना कोई स्टेट के अंदर, कोई सिटी के अंदर पुलिस ने कॉपरेट नहीं करी है, मगर इधर की जो म्यूनसिपैलिटी है उसी ने आज तक कोई कॉपरेट नहीं करी है। आप कहीं पर भी आके देखो, कल एक भाईकल्ला हल्के के अंदर बारिश, थोड़ी सी बारिश गिर गई, फौरन पानी भर गया। क्यों भर गया? बोले क्यों नाली साफ नहीं है, ये नहीं है। तो अब ये म्यूनसिपैलिटी का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है ये सब चीज़ों को करना। एक तो हम एक बीमारी से अपन लड़ ले, और इसके ऊपर अभी एक नई बीमारी पैदा हो रही है। आज लोग मलेरिया के अंदर परेशान है, टाइफाइड के अंदर परेशान है, ये चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही, इसके अंदर कोई मिनिस्टर बोल नहीं रहे। आज खाली उदय ठाकरे साहब है जो हर चीज़ के अंदर बोलने जा रहे। इसके अंदर आज एजुकेशन मिनिस्टर को भी आना चाहिए, अपना मेयर है जो मुंबई के जो मेयर है, ये लोग कोई भी इस बात के अंदर नहीं आ रहे, मगर इनके पास भी तो जो अहदे है ना, ये इनके हर चीज़ के अंदर बोल सकती है ना। पुलिस हर तरीके से व्हाट्सअप कर रही है, हर चीज़ की बात दे रही है, मगर इसमें म्यूनसिपैलिटी का कोई रोल ही अदा नहीं कर रहा है ना। म्यूनसिपैलिटी को कोई चीज़ का वो नहीं हो रहा है। आज म्यूनसिपैलिटी का एक कॉरपोरेटर नहीं देखो कि कहीं आपको बाहर निकलेगा, एक ना एक MLA बाहर निकलेगा। इनको आप बाहर निकलना है, इनको अपनी जान की फिक्र है, मगर गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है उनकी जान की फिक्र नहीं है, आम लोगों की फिक्र नहीं है उनको। ये आप ये बाहर निकलेंगे तो आम लोग उनका साथ देंगे ना, मगर ये तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, ये तो सारे लोग अंदर घर में बैठे हुए हैं। कोई कहीं ऐसा आप नहीं देखोगे कि कॉरपोरेटर की तरफ से ये मिला है, MLA की तरफ से ये मिला है, ये गवर्नमेंट खाली फंड का वो कर रही है, मगर कॉरपोरेटर लोगों के बीच में आवे। एक कॉरपोरेटर का हल्का बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, वो दो दो लोगों को एक एक बिल्डिंग से भी जोड़ेगा ना तो बहुत तरीके से होता है, मगर आज तक ना कोई कॉरपोरेटर ना MLA पूछा है कि आपकी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं, कोई किसी की तरीके से कोई प्रॉब्लम को वो नहीं कर रहा है। ये इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये जो कॉरपोरेटर लोगों को जागना चाहिए, MLA लोगों को जागना चाहिए कि कुछ बोले, कुछ समझे, मगर कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई समझने वाला ही नहीं है, सिर्फ बस बोले लॉकडाउन कर दो। खाली पुलिस कॉरपोरेट कर रही है, पुलिस हर जगह पे पुलिस मेहनत कर रही है, मगर दूसरे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी हल्का ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करने के लिए तैयार है। आज बैंकों के अंदर लोगों को ना पैसे की ज़रूरत है तो लाइन लगी है सर, मगर बैंक के जो पुराने हैं
वो लोगों को कोई लोन का वो नहीं हो रहा है। आज लोगों को लोन देने की ज़रूरत है कि भाई चलो आपको 20,000-25,000 का एक पैकेज लोन ले लो और आप अपने घर खर्चा चला लो। गवर्नमेंट को ये सब चीज़ के अंदर सोचना चाहिए कि भाई जिसके अकाउंट है उनको कुछ लोन दो, कुछ वो दो, बैंक जितना पैसा आज बैंक को जो लोगों को दिया गया वो नहीं हुआ। जो कंपनी रिलायंस कंपनी जियो ने सिम फ्री में बांटी, आज वो फ्री में मास्क नहीं बांट सकती। आज जियो ने इतना बड़ा काम करी, रिलायंस को गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट दी कि आज तक के इंडिया के इतिहास के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट किसी को नहीं मिला है। मगर वो रिलायंस कंपनी आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा कि उसने कुछ डोनेट के अंदर काम करी है, कि लोगों को खिलाने का काम करी है। वो सिर्फ अपने और अपने एम्प्लॉय का ही काम करी है। वो फ्री में लोगों को मास्क दे ना, जो जिसके पास सिम फ्री है, फ्री सिम फ्री दिए तो सिम फ्री फ्री मास्क भी दे सकती है ना वो, मगर फ्री मास्क देने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए रिलायंस से लोगों को वो करना चाहिए ना कि भाई वो करे। आज अडानी रिलायंस के पास ही रिलायंस एजेंसी है तो वो लोग तो माफ़ कर सकते हैं ना, उन लोग डिस्काउंट दे सकते हैं ना, मगर उन लोग तो वो देने को तैयार नहीं। बेहिसाब बिल ले रहे। मेरे को भी व्हाट्सअप आया कि आपको बिल भरना है, अगर बिल नहीं भरोगे तो वो होगा। आज मेरी होटल है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। कुछ फैसिलिटीज़ जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपने सुना होगा 5% जो है मुसलमानों को आरक्षण का दिया हुआ है, और लोन के ताल्लुक से एक गाइडलाइन भी इन्होंने इशू किया है, उसके बारे में आपको पता है? पता तो है, मगर गवर्नमेंट खाली पेपर वर्क के ऊपर इशू करती है, मगर व्हाट्सअप तो आते, मैसेज तो आते हैं कि आपको बैंक में लोन भरना है, ये बाकी है, वो बाकी है। अरे सर, आपको अगर नहीं भरोगे तो आपको पेनल्टी होगी। गवर्नमेंट तो हर तरीके, बैंक वाले तो हर तरीके से ले रहे कि भाई मेरा आज मोबाइल लोन पे, मेरी गाड़ी भी लोन पे, मगर कंपनी की तरफ से मैसेज आता आपको भरना है। मैं बोला सर 3 महीने, तो बोले लॉकडाउन सर सबके लिए, मगर पेनल्टी है। हमने जब लोन दिए तो उसके अंदर ऐसी अप्लाई नहीं कर ले कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आपको लोन नहीं भरना, आपको लोन तो हर हाल में भरना है। तजुर्बा रहा है, क्या चीज़ों को आपने फेस किया? अभी फिल वक्त की जो स्थिति हमारे देश की है और जो महाराष्ट्र की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? फेस करने की बात रही तो हमारे मोहल्ले में, हमारे महाराष्ट्र में और अपने बम्बई में जो कॉपरेट हम लोग जनता एक दूसरों को किए, इतना सपोर्ट हम लोग को कहीं से भी किसी से नहीं मिला। हाँ, जनता जनता की सेवा में आई है और जनता जनता की सेवा में दिन रात एक करी, एक दूसरे को खाना पीना हर चीज़ लेके चले हम लोग, एक दूसरे को राशन से लेके हर चीज़ का रिलीफ पहुँचाए। जो जहाँ जाना चाहते थे उनको उनके ठिकाने पे, उनके मोहल्ले में, घरों तक पहुँचाने का हम लोग ने शायद तो शुरू किया। लेकिन हमारे महाराष्ट्र सरकार हमारे बम्बई के, हमारे महाराष्ट्र वाले लोग के बारे में कम से कम सोचे। जो अन्य सरकार जैसे दिल्ली, केजरीवाल साहब अपने स्टेट का इलेक्ट्रिक बिल माफ़ करा दिया, बम्बई जैसे शहर में आज हमारे को खाने के वांदे हैं, काम धंधे के वांदे, 4-4 महीनों के हम लोग खुद बैठे। तो एटलीस्ट कम से कम उद्धव साहब से हम रिक्वेस्ट है, एक इलेक्ट्रिक बिल का तो छोटा सा मुद्दा जो जनता लेके उठी है तो ये अपने ऊपर लेके मैटर को सॉल्व करें, और इलेक्ट्रिक बिल हमको कम नहीं कराना है, कम से कम एटलीस्ट 3-4 महीने का माफ़ कर दो। बड़ी मेहरबानी होंगी उद्धव साहब से, यही हम लोग के मतलब एक रिक्वेस्ट है उद्धव साहब से।